माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन। आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन इन क्रिमिनल केसेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन। वी हैव डिस्कस्ड दैट द फर्स्ट पार्ट बाय विच पर्सन कैन बी कंपेल्ड to remain present before the court of law is a summons. If the summons is not executed, if the summons serve and the person fails to remain present before the court of law, then court can issue a warrant. If the warrant is not executed, then court is having a power to issue a proclamation. So proclamation is a third step to compel any person to remain present before the court of law. So under section 82, the concept of proclamation is there. So, कब कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, प्रोक्लेमेशन के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोक्लेमेशन का टाइम कितना होगा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे प्रोक्लेमेशन पे पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर प्रोक्लेमेशन पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग यूर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Proclamation, Section 82 of Criminal Procedure Code 1973. It is a part and parcel of process to compel appearance of person. So, Section 82 deals with proclamation. Section 82. Any court has reason to believe that a person against whom a warrant has been issued is absconding or concealing himself, or due to which warrant is not executed. Suppose if the court issue a warrant against any accused person, and if the court feels that that person against whom a warrant is issued is absconding and concealing himself, so as the warrant is not executed, under such a circumstances, अब क्या होगा कि for example court ने जिसके against में warrant issue किया, वो person अगर भाग गया, warrant execute नहीं हो रहा उसके भाग जाने की वजह से, या वो खुद को छुपा रहा है, warrant execute नहीं होने दे रहा है, उस situation में क्या होगा, the court may issue a proclamation against him requiring him to appear before the court not less than 30 days from the date of it. तो court क्या करेगा, फिर उसके against में proclamation issue करेगा और proclamation में उसको time देगा 30 दिन का, उसको बोलेगा you have to remain present before the court of law within 30 days. अब वो प्रोक्लेमेशन में क्या होना जरूरी है, व्हाट प्रोक्लेमेशन शैल इंक्लूड, इट शैल पब्लिकली रीड सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज। मतलब प्रोक्लेमेशन कैसा होना चाहिए, इट शैल बी पब्लिकली रीड सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज। ऐसा वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश करना पड़ेगा कि जिसको लोग पढ़ सके, कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज, ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की ज्यादा आवाजाही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सिविल हॉस्पिटल, जहां पर लोग बहुत ज्यादा आते जाते हैं, वहां पर वो प्रोक्लेमेशन को लोगों को पढ़ने आना चाहिए, ऐसा लगाना जरूरी है। इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ अ हाउस, वन कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन शैल बी अफिक्स्ड ऑन द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। जिस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ उसके घर के दरवाजे पर या जहां पर वो देखा जा सके, ऐसे जगह पर वो प्रोक्लेमेशन चिपकाना जरूरी है। अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, एक कॉपी प्रोक्लेमेशन की कोर्ट हाउस में भी चिपकाना जरूरी है। द कोर्ट में ऑल्सो इफ थिंग्स फिट पब्लिश्ड अ प्रोक्लेमेशन इन डेली न्यूज पेपर सर्कुलेटिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। कोर्ट क्या करेगा, वो जो कॉपी है प्रोक्लेमेशन की वो ऐसे न्यूज़पेपर में जो उस एरिया में, फॉर एग्जांपल जिस एरिया में अक्यूज रहता है वो एरिया में सर्कुलेट होने वाला जो न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर में प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी उसमें भी पब्लिश की जा सकती है। तो ये जरूरी है। तो प्रोक्लेमेशन किसके अगेंस्ट में पास होगा, ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ और वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। वारंट एग्जीक्यूट नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन भाग गया है, अब्सकॉन्डिंग है, या वो पर्सन खुद को छुपा रहा है, वारंट एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट उसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू करेगा और उसको 30 दिन का टाइम देगा और एक उसमें एक चीज भी इंक्लूड करेगा, इफ यू फेल्स टू रिमेन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ विद इन, इफ यू फेल्स टू प्रेजेंट Before the court of law within the required time, your movable and immovable property will be attached. आपकी movable और immovable property attach की जाएगी. So that is included. So
where the proclamation published under section 82 in respect of a person accused of an offence punishable under section 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 98, 99, 400, 402, 436, 449, 459, 460 fails to produce, pronounce him a proclaimed offender. अब क्या हुआ कि ये जो sections हम discuss कर रहे हैं अभी 302 से लेकर वो जो भी 360 तक है, आप ये section देख सकते हो. ऐसे section में offence किया हुआ है किसी accused ने और ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया है और वो प्रोक्लेमेशन का टाइम अगर खत्म हो गया है और वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, ऐसे पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोल के घोषित कर सकता है. समझ रहे हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोल के घोषित कर सकता है. मतलब यही सेक्शन में अगर प्रोक्लेमेशन इशू होता है तो ही वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए. मतलब प्रोक्लेमेशन इशू हुआ इसका मतलब वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सेक्शन में अगर ऑफेंस करता है कोई अक्यूज्ड और उसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू होता है तभी वो ऑफेंडर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, अदरवाइज नॉट. अब प्रोबेबल क्वेश्चन है, प्रोक्लेमेशन पे पूछा गया क्वेश्चन है. प्रोबेबल क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी. It shall be affixed to some conspicuous part of a house. It shall publicly read some conspicuous place of the town or village. The court may publish a proclamation in daily newspaper circulating in that place. All of the above are correct. तो हमने देखा कि सब जरूरी है कि वो person जिसके अगेंस्ट में proclamation हुआ उसके घर पे भी चिपकाना जरूरी है, ऐसे जगह पर भी लगाना जरूरी है कि जहां पर उसको लोग पढ़ सके, और ऐसे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जा सकता है जो उस एरिया में सर्कुलेट होता है. ऑल ऑफ द अबो आर करेक्ट इज अ सही ऑप्शन. हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड. दस अ प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड अगेंस्ट अक्यूज्ड ऑफेंडर, अ श्योरिटी, अ विटनेस, ऑल ऑफ द अबो. तो प्रोक्लेमेशन किसके अगेंस्ट में पब्लिश किया जा सकता है, सॉरी यहां पर भी बाय मिस्टेक है. राइट आंसर इज फर्स्ट अक्यूज्ड ऑफेंडर, सिर्फ अक्यूज्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट में ही पब्लिश किया जा सकता है प्रोक्लेमेशन, नॉट अ श्योरिटी, नॉट अ विटनेस. तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोविजन रिलेटिंग टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.